गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। उठो, अरे, गुड मॉर्निंग। उसको हमने जबरदस्ती उठा लिया, उसको और भी सोना है, वापस सो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे, और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। तो गाइज, आज हमारा महाबलीपुरम में है सेकंड डे, और हम लोगों ने कल शॉर्ट टेम्पल है उसे एक्सप्लोर किया, और फिर हम लोग इधर आए और हमने यहाँ पर एक मतलब जो रिजोर्ट है यहाँ पे, बहुत सुंदर सा रिजोर्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया। और अभी सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं और बजी है गाइज 7। जो रिजोर्ट है इसी के जस्ट पास में, बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर बीच है। हाँ बेटे, गुड मॉर्निंग। बोलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ। मैं उठना नहीं चाहता था, पर फिर भी डैडू और मम्मा ने जबरदस्ती उठा दिया। बोलो। तो गाइज, जो रिजोर्ट है जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं उसके बिल्कुल पास में ही मतलब एक बीच है, तो यानी जो महाबलीपुरम है वो पूरा है ना समुद्र के किनारे पे ही बसा हुआ, बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बीच है। तो चलते हैं गाइज बीच पर, और सुबह सुबह की जो है ना वाइब से उसको एंजॉय करते हैं बीच के किनारे पे जाके, है ना। तो चलिए फिर चलते है। लाइट नहीं बंद करनी क्या? लाइट्स वगैरह, फैन? हाँ ठीक है, की लाओ बेटा। तो हमने लिया है गाइज ये रूम, लेकिन है ना अभी रूम में आप मत देखिएगा क्योंकि बच्चों ने मचा दिया है धमाल। मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं आ गई हूँ अभी रूम से बाहर, और ये है गाइज रिजोर्ट का कुछ इस तरह से व्यू, और बिल्कुल है ना साउथ के जो मतलब घर होते हैं ना ट्रेडिशनल, उसी तरह से बना हुआ है। नीचे चौक है और ऊपर इस तरह से बना हुआ है ये रिजोर्ट। और है ना उधर से एंट्री है रिजोर्ट की, तो पार्किंग भी उधर ही है, और ये सारे रूम्स बने हुए हैं। क्या हुआ? तो हमने ये वाला रूम लिया था और हमारे बजट में भी था, और इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूड था, तो इसीलिए हमने इसी रिजोर्ट में रूम ले लिया। तो चलते हैं अब। हम लोग बीच के लिए रवाना हो गए हैं, और ये है रिजोर्ट जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं, और इधर से हम लोग जा रहे हैं बीच पर। क्या हुआ? मिट्टी चले गई? तो मिट्टी तो जाएगी ना। हाँ मिट्टी तो अच्छी होती है। आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, चलो जल्दी से चलो। अरे अभी तो चला नहीं जा रहा था, अब दौड़ने लग गए दोनों के दोनों। आराम से बेटा, के कांटे नहीं हो ना, जा रेत है ना, रेत में चलना है ना। चलो। मैं है ना सुबह से सबको उठा रही थी कि उठ जाओ, लेकिन कोई नहीं उठा। उठ भी रहे थे ना तो सब वापस सो रहे थे, और पाऊ तो अभी तक सोया है। और है ना सामने से धूप भी निकल गई है, और अब है ना बहुत तेज धूप लगने वाली है। अभी 8:30 हो गई है, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह सब करते हुए टाइम तो हो ही गया। देखिए गाइज अभी भी है ना हमारे पीछे और भी लोग आ रहे हैं, तो चलते है। पापू को हमने उठाया ना, लेकिन वापस सो गया। ये तो जबरदस्ती होगी बच्चों के साथ। हाँ बेटा, क्या बोलो? जूते खोल के ऐसे कौन चलता है? हाँ बच्चे, क्या हो गई? अरे बेटा वो तो जाएगी ना थोड़ी बहुत, तो मिट्टी पैरों में। हाँ तो इशू क्या है ना, मतलब पैरों में रेत जा रही है ना, तो चल नहीं पा रहा है। ताइशु ने अपने जूते हाथ में ले लिए, यानी अब उसको उठाकर ही ले जाना पड़ेगा बीच तक। क्या है इसमें? कुआ है ये? है, दिखो, डीप है क्या? नहीं, ये होगा, हाँ डीप होगा ये अंदर से, लेकिन पानी ऊपर है ना। चलो अब चलेंगे।
और बीच के सिमिलर यहाँ पर बहुत सारे रिजोर्ट बने हुए देख सकते हैं गाइज। हमारा रिजोर्ट वहाँ पर है और यहाँ पे जस्ट पास में एक और रिजोर्ट है। तो इस तरह से महाबलीपुरम में बहुत सारे रिजोर्ट्स बने हुए, तो अगर आप कभी इधर विजिट करते हैं तो यहाँ पे ठहरने के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और मैं चल रही हूँ ना तो मेरी सांस फूल गई है। हाँ मैं थक गई। जो अपन से पीछे चल रहे थे ना वो ना आगे चले गए बहुत और अपन पीछे रह गए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल पास में है और हम आ गए हैं। वो आपको थोड़ा सा चमकता हुआ दिख रहा होगा, वो है गाइस पानी, यानी अपन बिल्कुल पास में है समुद्र के। तो चलते हैं फटाफट। और सामने से एकदम तिखी तिखी सी धूप लग रही है, यानी बहुत तेज धूप भी निकल गई है। और देखिए गाइज मैंने यहाँ पर कुछ देखा है, प्यारा सा फ्लावर है। किसी की बेल है और जिस पर है ना इस तरह से सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, यानी इस जमीन पे है ना सारी बेल फैली हुई है और बहुत सारे फूल लगे हुए और दिखने में है ना ये बहुत सुंदर है। और इधर भी है देखिए गाइज, और ये जो बेल है ना वो बिल्कुल है ना बारीक बारीक सी है ना इस घास के बीच में फैली हुई है। इसका नाम तो क्या है पता नहीं इस बेल का। और इधर भी देखिए गाइस इधर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर है। ये सारे है ना, और पर्पल कलर के फूल है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरी जमीन पे फैले हुए हैं ये। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। मान्या कुछ कह रही है मुझे लेकिन है ना दूर से समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही है वो। क्या हुआ? बड़ी बड़ी वेव्स दिख रही है, आ रही हूँ मैं। चलो चलो चलो। तो अभी मैं आ गई हूँ गाइस बिल्कुल समुद्र के पास, और देख सकते हैं आप मेरे सामने है प्यारा सा नजारा। और है ना वेव्स भी बहुत तेज आ रही है इधर। लेकिन पानी साफ है, एकदम क्लीन पानी है ये। ये है गाइस महाबलीपुरम का बीच, और ये महाबलीपुरम के सिमिलर चलता रहता है और इसी के किनारे पर बसा हुआ है महाबलीपुरम। और अब है ना पावू भी उड़ गया है, जो लेरो की आवाज़ है ना बहुत तेज है, उस आवाज़ से ही है ना ये उड़ गया है। इतनी देर तो ये सो रहा था। और देख सकते हैं गाइस जितने भी है ना बीच के सिमिलर जितने भी रिजोर्ट बने हुए हैं ना, तो उन रिजोर्ट में जो भी जितने भी है ना टूरिस्ट है ना वो ठहरे हुए हैं ना, तो है ना सब है ना सुबह सुबह अभी है ना बीच पर आए हुए हैं। और पता है ना लहरों के साथ इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और महाबलीपुरम को इसकी स्पेशलिटी की वजह से है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है ना, तो इसलिए है ना यहाँ पर है ना बहुत मतलब विदेशों से भी बहुत पर्यटक है गाइस, है ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब जने। और इधर है ना ताइशो भी खेलने लग गया रेत में। और है ना जो ये बीच है ना उसमें कोई ज़्यादा गहराई में जाके है ना मतलब एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है ये डीप भी हो। तो गाइज है ना कभी भी ऐसे जाए ना तो पहले है ना नहीं पता हो तो पानी के अंदर नहीं उतरना, स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं उतरती हूँ। हाँ बाहर से थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। अरे 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 पापो बच्चे, अरे अरे वो डर रहा है ना, जो रेत है ना उससे डर रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है आज मुझे कहाँ चला रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ वाओ, जैसे जैसे है ना पानी आ रहा है ना ऐसे तो चल रहा है ये है ना, लेकिन पानी आ रहा है ना तो बस वही स्टॉप हो रहा है। वही रुक जाता है, डर जाता है।
हम लोग वापस रिटर्न हो गए और ये क्या है, है? ये फूल यहाँ मिल गया था। उठे ना वैसे आ गए इधर। और अब हम लोग वापस रिटर्न हो चुके हैं, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कोई ऐसी वनस्पति है ना जिसपे कांटे कांटे हैं और काफ़ी देर हो गई हमको, यानी यहाँ पे हमें 12:30 हो गई, तो अब जाना चाहिए वापस रिजोर्ट में और कहते हैं बीच को बाय बाय, मौका मिला तो जरूर आएंगे वापस। तो चलते हैं वापस। तो अभी मैंने तोड़े हैं गाइस कुछ फ्लावर, इसको फ्लावर ही बोलेंगे ना, आज मैं पूरे देसी लुक में आ गई हूँ। ये ताइशू की टी शर्ट है ना, ये पूरी गिली हो गई थी, ताइशू पूरा गिला हो गया था तो निकलवा के मैंने कंधे पे रख लिए। और ये है ना बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया है और अब मैं इसको लेके जाऊँगी गाइस चेन्नई। एक तो गिर भी गया, बहुत सुंदर लग रहा है ये इसलिए मैं इसको चेन्नई लेके जाऊँगी साथ में। अरे यहाँ पर है ना मुझे कुछ दिखा है, इसका नाम क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है ना मेरे गांव में भी होता है, मतलब मेरे पियर में मैंने जब छोटी थी ना तब खाया था। अभी तो है ना बहुत छोटे छोटे से है ये, इसके फ्लावर आ रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे से, अभी तो होगा कहीं 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 पे भी तो होगा। कहाँ है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है गाइस, लेकिन मैं इसको पहचानती हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिखाओ मैं आपको, ये रहा। इसको खाते ना तो बहुत टेस्टी लगता है, खीरे जैसा लगता है। लेकिन आप मत ट्राई करिएगा है ना। क्योंकि है ना हम लोग खाते थे तो ओके ओके था, बट आप मत ट्राई करिएगा कभी। तो मैं आ गई हूँ अब रिजोर्ट के बिल्कुल पास में और करते हैं गाइज आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। सब बाहर बैठे हो नंगू पंगू होके, यहाँ ठंडी लग रही है आप लोगों को? हाँ